हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। आप लोगों को BSc परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों की स्वागत है। ठीक है, चलिए आप लोगों के पिछले वाले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन बताए थे। उससे पहले बताने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक दोस्तों के पास मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को सूचित कीजिए, क्योंकि अभी तीन लोग नहीं जानते होंगे कि कोई ग्रेजुएशन का मतलब सीरियली से पढ़ाई होता है। अगर मेरे वीडियो को आप देखते होंगे तो देखते होंगे कि हम हर टॉपिक हर क्वेश्चन सीरियली से पढ़ते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन भी नहीं कि एक फिल्म पढ़ा दिए तो अगले चैप्टर स्टार्ट किए। अरे आप लोग जैसे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉल कीजिए, वो जो क्वेश्चन डाउट आप लोग बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, हाँ यह क्वेश्चन में डाउट है, यहाँ पे डाउट है, हम आपको ऑफकोर्स बताएंगे। ठीक है, कोई शक की बीमारी नहीं है कि हाँ कोई डाउट हो कि हाँ यह क्वेश्चन पूछे नहीं यार। कॉमेंट करो और नंबर मेरा पिछले वाले वीडियो में दे चुके हैं, आप लोग फोन कीजिए कि हाँ यह क्वेश्चन का जरूरत है, या आपको क्वेश्चन बैंक का जरूरत हो तब भी आप लोग को बताएंगे, या क्वेश्चन बैंक से अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपको हम बताएंगे। बेचक आप स्वतंत्र है पूछने के लिए, क्वेश्चन में पूछने में आपको कोई फीस नहीं लग रहा है, चाहे कमेंट करने में आपकी कोई फीस नहीं लग रहा है, आपकी सिर्फ दो वक्त थोड़ा टाइम लगेगा कि हाँ क्वेश्चन टाइप करके उसे पूछ ले। तो और कोई चीज़ किन्हीं से सीखना सबसे भारी महत्व है, अगर हम आप लोग के लिए टाइम दे रहे हैं तो आप लोग भी मेरे लिए टाइम दीजिए, तब आप लोग सीखिएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं सीख पाइएगा। और इतना मेहनत करके हम बता रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे सब ये अच्छा है ये, अब कमेंट कीजिएगा वरना हम लोग को उनको भी लगेगा कि हाँ कोई बच्चा देख रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को इसके पिछले वाले वीडियो में कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी और सीरीज के हम क्या किए हुए थे कि उसके थ्योरम बता चुके थे, जैसे मैं रूट टेस्ट छोड़ गया था, उसी रूट टेस्ट, पी टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। अब क्या करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट से संबंधित मुख्य क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो इसके पिछले वाले वीडियो में हम टाइप नंबर 1 क्वेश्चन बताए हैं और बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं कि टाइप नंबर 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है और 2020 से लेकर 2023 वाले बच्चों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जा रहा है सर। आप लोग देखते रहिएगा क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन ऐसे भी लिख देंगे कि जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्या करते हैं कि विशेष इस क्वेश्चन टाइप नंबर 2 क्वेश्चन को क्या करते हैं बना देते हैं और क्या करेंगे आप लोग के लिए टाइप मतलब तकरीबन 3-4 क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, तभी कहना मतलब एग्जाम में आप लोग को इस जो टाइप बताएंगे दो टाइप में से एक टाइप पे क्वेश्चन निश्चित है, यह श्योरलेस है कि आप लोग का क्वेश्चन ये अभी करें। अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा सेट ही नहीं है कि जिसने ये क्वेश्चन बार बार रिविजन ना किया हो, बट हमेशा ये रिविजन किया, इसके चलते हम इस क्वेश्चन का आपको टाइप चुन के दिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का टाइप बता, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद आप लोग को जो डाउट हो, जो कमेंट करना हो कि हाँ यह क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम या डाउट है, आप लोग बेचक उनसे क्वेश्चन का सोल्यूशन मांग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को क्या करते हैं बताते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को कुछ लैंग्वेज लिखना होगा, किसी भी अब एक बात बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, कोई भी मान लेते हैं कि कोई एप्पल नहीं है, सेब है, तो सेब को खाने से पहले वो क्या करता है, धोता है, धोने से पहले क्या देखता है कि हाँ इसमें कोई ये थी, मतलब उसको समझता है कि हाँ खाए तो इसे कोई हानि ना हुई हो। इसी तरह यही क्वेश्चन है, जब सबसे पहले क्वेश्चन तो लिख दिया हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका कुछ लैंग्वेज लिखेंगे कि हाँ इसको क्या मानना है और क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेज लिखेंगे तभी ना आगे मालूम चले कि हाँ हमको ये मानना है और आगे हमको ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले अभी तो सबसे पहले डिफाइन है कि कंपैरिजन टेस्ट में निकलेगा, कंपैरिजन टेस्ट होने के लिए क्या होता है, इवन का मान और वीएन का मान निकालते हैं, इवन वीएन के मान को क्या करते हैं, डिवाइडिंग करते हैं और टेकिंग लिमिटिंग लगाते हैं, वहां से क्या होता है मेरा टेस्ट निकल जाता है और वहां पर डिफाइंड होता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और विशेष तरीके से क्वेश्चन को हम बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखिए द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज समेशन ऑफ इवन इच nth टर्म, समेशन ऑफ इवन इच nth टर्म nth terms of given is given series. Given series. Given series. Given क्या हो जाएगा आपका given series. ठीक है, given series. तब देखिए यहाँ पे given series. The summation of given. ठीक है. Sorry जा. इसका. अब इसमें क्या लिखते हैं हम? Given equal to. Given equal to मेरा क्या दिया हुआ है? रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस वन। इसके पहले वाले में हम कुछ रूल लिखवाए हैं कि जब ऐसे टाइप के अगर कहीं पे क्वेश्चन आए तो नोमिनेटर एवं डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अंश और हर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से।
ये तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग बाय न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, शॉर्ट लिखते हैं एन एंड डी, ठीक है, बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड वी गेट, ठीक है, बोथ साइड वी गेट। अब इसमें क्या कीजिए, यूएन बराबर हम इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये कोष्टक में करते हैं, ये बीच में क्या था, माइनस था, आपको किससे डिवाइड करना है, प्लस वाला से, इसमें प्लस वाला से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन और प्लस रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और सबके बटन में क्या हो जाएगा, सबके बटन में हो जाएगा आपको क्या, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन और प्लस रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, अब सबके बटन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अगले स्टेज जाने एन स्क्वायर प्लस इससे गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, रूट दोनों में से हट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इसमें से क्या स्क्वायर जाएगा, कट के क्या जाएगा, माइनस टू का अप्रोच में आएगा, ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं स्टेज और नीचे लिख देते हैं कि यूएन इक्वल टू, आप देखिए ध्यान से यह क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस वन, रूट तो मेरा हट गया, आप देखिए प्लस और माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर और माइनस से गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वन, अब बटा में क्या हो जाएगा, मेरा बटा में हो जाएगा जो था रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, कट गया, अब क्या बच गया, वन प्लस वन, तो टू बटा इतना बच गया, ठीक है, तब टू बटा इतना बच गया तो ऊपर वाले को मिटाना होगा इसके आगे बताने के लिए, तो अब ध्यान से देखिए और उसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं और क्या करते हैं, आगे नीचे वाले ऊपर वाले को मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से हमको क्या आया है, यूएन का मान कितना है, हमको यूएन का मान आ गया, हमको यूएन का मान आ गया इतना, अब क्या करते हैं, यूएन का मान हमको इतना आ गया, अब इसको बराबर में एक स्टेज और बनाते हैं, सॉरी एक स्टेज और नीचे ही बना देते हैं, एन स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया मेरा, टू बटा रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन और प्लस रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस वन, हमको कितना का मान, यूएन है, ठीक है, अब इस यूएन को थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा आप लोग, यूएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बटा, अब इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ाए हैं कि किसी भी टर्म में हाईएस्ट पावर एंथ टर्म का जो हाईएस्ट पावर उसी को कॉमन करें, हाईएस्ट पावर क्या है, एन स्क्वायर, इसमें से कॉमन कीजिएगा एन स्क्वायर, तो रूट में एन स्क्वायर है, दोनों में से कॉमन करते हैं एन स्क्वायर का बड़ी ब्रैकेट से कोष्टक में से, तो रूट अंडर एन स्क्वायर होगा तो कॉमन होगा तो क्या होगा, एन पूरा स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए आप लोग टू बटा रूट रूट क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अब इसमें ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा, कि ब्रैकेट में बच जाएगा आपको रूट अंडर में वन बटा वन बटा एन स्क्वायर और प्लस रूट अंडर वन माइनस वन बटा एन स्क्वायर, ठीक है, इतना बच गया, अब इसको बराबर में और आगे बढ़ाते हैं, नीचे लिखेंगे तो बोर्ड ज्यादा छिकेगा, इसके चलते आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू बटा एन स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या बच गया एन, ठीक है, अब एन और फिर क्या लिख देते हैं, जो था आपका लिख दीजिए रूट अंडर वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर और प्लस रूट अंडर वन माइनस वन बटा एन स्क्वायर, ठीक है, इतना आगे आ गया, अब इसको क्या करते हैं, स्पेशल इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, टू बटा एट इंटू वन रूट अंडर वन प्लस एन स्क्वायर बट प्लस रूट अंडर वन माइनस एन स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन जो हम इसको फर्स्ट मान लिए, अब क्या करेंगे, हमको यूएन का माना गया, अब हमको क्या देखना है इसमें कि हाईएस्ट पावर क्या, तो देखिए इसमें एन आ गया हाईएस्ट पावर में, तो इसको वीएन का मान क्या हो जाएगा मेरा, वन, ऊपर नहीं पूछा है तो क्या वन है, नीचे क्या है एन है, तो क्या हो जाएगा मेरा, बटा में एन आ जाएगा, तो जब किसी भी पावर में बटा में सीरीज हो तो आपको पढ़ाए हैं कि पी टेस्ट को देखने के लिए एन के पावर वन देखते हैं, इसका घात क्या होगा, वन होगा, वन होगा तो ऑटोमेटिकली चलिए आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, अब हम क्या करेंगे, वीएन का मान निकालेंगे, तो इसके लिए क्या लैंग्वेज लिखेंगे, वी कंसाइडर एंड एक्जुलरी सीरीज, ठीक है, वी कंसाइडर एंड एक्जुलरी सीरीज, एक्जुलरी सीरीज समेशन ऑफ वीएन वेयर वेयर वीएन इक्वल टू, वीएन इक्वल टू क्या जाएगा मेरा वन बटा एन, इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेशन टू,
अब क्या सिखाया है कि कंपैरिजन टेस्ट में होने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं, अपेंड मतलब डिवाइड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं टेकिंग लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, इसको नीचे वाले को हटा देते हैं, इसको टेकिंग लिमिट, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, अब इसको लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड डिवाइडिंग बोथ साइड फिगर, शॉर्ट मारते हैं, ठीक है, बोथ साइड, बोथ साइड बिगर। अब देखिए इक्वेशन यू एन डिवाइड करना है तो बटा में क्या आ जाएगा, भी वन मिनट, अब क्या हो गया यूएन अब बटा भी है, ठीक है। हम क्या जानते हैं यूएन का मान कितना आया था मेरा, यूएन का मान 2 बटा एन इनटू रूट अंडर 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा एन स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट माने। अब क्या कहता है ओपन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को, अब लिख दीजिए यूएन का मान लिख दीजिए आप लोग, तो 2 बटा एन इनटू रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस का प्लस रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा एन स्क्वायर, ठीक है। अब इनटू बटा में डिवाइड में अगर 1 बटा एन हो तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एन बाई 1, एन से एन मेरा क्या हो गया कट गया, ठीक है, एन से एन जब कट गया तो बराबर में मेरा क्या बच गया 2 बटा रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा एन स्क्वायर। अब हमको क्या आ गया यूएन बटा भी एन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस मान में क्या करेंगे ये जो 1 प्लस 1 बाई एन, अब इसमें क्या करेंगे टेकिंग लिमिटिंग लगाएंगे, ठीक है, लिमिट लगा के चेक करेंगे कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या बट दोनों ही है, ठीक है। इसमें चेक कर लेते हैं सीरीज लगा के कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या बट दोनों है, ठीक है। तो चलिए सीरीज को चेक कर लेते हैं, इसके लिए मिटाते हैं ऊपर वाले, ठीक है, इसके लिए ऊपर वाले को मिटाते हैं। अब देखिए इसमें हमको इतना मान आ गया, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब लिखिए टेकिंग लिमिटिंग, टेकिंग लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी बोथ साइड वीगेन, ठीक है, टेकिंग लिमिटिंग बोथ साइड वीगेन un बटा vn, ठीक है, और का चिन्ह देते चलिएगा किसी फंक्शन में, और का चिन्ह डबल बराबर है, ठीक है। अब देखिए टेकिंग लिमिटिंग लगाएंगे, सॉरी इसको मिटाइए पहले, मिटाइए, अब यहाँ पर टेकिंग लिमिटिंग यहाँ क्या हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप लोग जानते हैं सीरीज निकालने के लिए लिमिटिंग n टेंस टू इन्फिनिटी। अब क्या हो जाएगा इवन और बटा क्या हो जाएगा मेरा भी है, इवन का मान कितना दिया हुआ है 2 बटा रूट अंडर 1 प्लस 1 बटा इन्फिनिटी के स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा इन्फिनिटी के स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि बटा में इन्फिनिटी के स्क्वायर उसका मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। तो आप लोग इसको इसी टर्म को आगे बढ़ा दीजिए, 1 बटा इतना हो जाएगा तो 2, अब बटा में क्या हो जाएगा ये तो 0 तो रूट 1 और रूट 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो क्या आ गया मेरा 1 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 1 को आप लोग लिख सकते हैं फाइनाइट एंड नॉन जीरो, मतलब ये क्या हो गया 0 नहीं आया, चलिए ठीक है, चलो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un बटा vn, ठीक है, तो 2 बटा मेरा कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया, तो फाइनाइट n नॉन जीरो। अब क्या करना है इस सीरीज को बाय कंपैरिजन टेस्ट पे देखना है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाय कंपैरिजन टेस्ट बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, टू सीरीज समेशन ऑफ यूएन एंड समेशन ऑफ वीएन आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोथ आइदर आइदर CGT and DGT। अब इस टेस्ट को क्या कहते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट पे देख ले, अब इस सीरीज को क्या करेंगे पी टेस्ट पे देख ले, ठीक है, तो इसीलिए पी टेस्ट समेशन ऑफ वी 1 बटा एन,
पिछला वाला वीडियो बताया था कि किसी भी टेस्ट के पी टेस्ट देखने के लिए समेशन ऑफ पावर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका पावर जो है समेशन ऑफ वी, समेशन बटा 1 बटा n, n का पावर क्या है 1। किसी भी समेशन पी टेस्ट को देखने के लिए सबसे पहले सीरीज क्या होता है, वो सीरीज कहीं भी बटा में होना चाहिए, ठीक है। तो सीरीज क्या है, ये भी बटा में है। जब बटा में है तो n के पावर देखेंगे, n के पावर क्या है 1 है। तो हम जानते हैं कि पी बराबर 1, पी बराबर 1 दिया। तो जब पी बराबर 1 किसी भी अगर सीरीज में आ जाए तो वो टेस्ट कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ये नहीं कर सकता, ये दोनों ही टेस्ट होगा, ठीक है। जब भी कहीं भी पी बराबर 1 आ जाए तो वो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। इसके लिए एक और क्लास है, द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट, समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट के लिए p ग्रेटर देन 1, अर्थात अर्थात फिर लिख दीजिए p लेस देन 1 इज डिजिटिव, मतलब डाइवर्जेंट। किसी भी सीरीज में अगर 0, 0 से मान अगर 12 हो तो वह क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर 1 से अगर 12 मान हो तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर 1 से छोटा मान हो तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। किसी भी सीरीज में अगर 1 आ जाए वो 1 क्या होगा, दोनों दर्शाएगा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दिखाएगा। तो मेरा यही सीरीज प्रूफ करना था, ये जो क्वेश्चन था वो क्या था, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दोनों ही था, ठीक है। तो हम टाइप नंबर 2 क्वेश्चन तक बता चुके हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का अगला टाइप बताएंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन का टाइप है वो क्वेश्चन का हम अगला टाइप बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मात्र 3 क्वेश्चन और है, जो 2 क्वेश्चन आप लोग हम टाइप 1 और टाइप 2 करके बता चुके हैं, ठीक है। अब जैसे मैं टाइप नंबर 3 क्वेश्चन है जो आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन, जैसे मैं 1 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर एन क्यूब प्लस 1 माइनस एन क्यूब, यह भी क्वेश्चन है 2 नंबर, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, मात्र दो ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन में क्या करना है, या क्वेश्चन में सीरीज में डिफाइन नहीं किया कि क्वेश्चन को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, बट इस क्वेश्चन को आगे बनाने के थ्रू पर या अगर क्वेश्चन में और वन आ जाए तो क्या टेस्ट फेल हो जाएगा। उसमें क्या की जाएगा कि डिफाइन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दोनों ही टेस्ट होगा, ठीक है। अगर ये श्योर नहीं है, क्वेश्चन देखने से मालूम नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। इसमें क्या करेंगे, पहले पी टेस्ट को देख लेंगे, अगर पी टेस्ट फेल होता है तो क्या करें, कंपैरिजन टेस्ट पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को पहले आप लोग बना के और जो दिक्कत हुआ कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आगे वाले टाइप नंबर 3 में मान लो दो ही क्वेश्चन था और टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। चलिए टाइप नंबर फोर क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज, या क्वेश्चन दिया हुआ डिफाइन करके बटा के फॉर्म पे है, ये क्वेश्चन एक डिफाइन करके दिया हुआ बटा के फॉर्म पे, 2/1 के पावर पी प्लस 3/2 के पावर पी और प्लस 4/3 के पावर पी प्लस डॉट और डॉट, ये इंफिनिटी टर्म पर जा रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले जो टाइप में था क्वेश्चन वो रूट अंडर में था, उसके लिए रूल होता था कि किसी भी क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग, उसके नीचे वाले जो हर अंश वाले जो क्या कहते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर था उसे क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ठीक। बट जो ये सीरीज दिया हुआ है टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज, मतलब इस सीरीज में क्या करना है, कन्वर्जेंट दिखाना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके पहले सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सीरीज निकालेंगे, जो सीरीज निकालेंगे वो यूएन का मान आएगा, और जो यूएन का मान आएगा उसे डिफाइन करेंगे कि हाँ वीएन के मान निकाले कैसे। तो वीएन के मान निकालते हैं जब किसी भी यूएन मान का हाईएस्ट पावर होता है उसका क्या कहते हैं, वीएन का मान निकालते हैं। जो वीएन का मान निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उस दोनों क्वेश्चन को यूएन और वीएन के मान को क्या डिफाइड पहले डिफाइड करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे टेकिंग लिमिटिंग लगाएंगे। अगर टेकिंग लिमिटिंग लगाते समय अगर अगर 1 हर बार रिपीट कर रहे हैं, अगर 1 हो तो क्या होगा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दोनों को दर्शाएगा, अगर 1 से छोटा हो तो डाइवर्जेंट होगा, और 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इसके लिए चलिए इस सीरीज को पहले आगे निकाल लेते हैं, सॉल्व में बनाते हैं इसको। द
लेक्चर सीरीज समेशन ऑफ गिवन इज nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज लास्ट टर्म को निकालने के लिए किसी भी बट्टा के पावर में अगर सीरीज में पी हो तो क्या होता है, वो अपने पावर सीरीज को दर्शाता है। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, लास्ट में जो आएगा ये जो मान एन का मान जो हाईएस्ट पावर आएगा उसमें क्या करेंगे, हम पी के मान पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, ईवीएन का मान यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम ईवीएन प्लस मतलब वीएन का मान निकालते हैं। ठीक है, तो वीएन के मान निकालने के लिए वी कंसाइडर एंड एक्जुलरी सीरीज। ठीक है, वी कंसाइडर एंड एक्जुलरी सीरीज, बट ये जो था कुशिश रूट टेस्ट पे डिपेंड है। ठीक है, कुशिश रूट टेस्ट जो पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे उसके लिए क्या होता है, यूएन और वीएन के मान पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वी कंसाइडर एंड एक्जुलरी सीरीज समेशन ऑफ वीएन वेयर क्या करेंगे, वेयर वीएन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1 बटा n के पावर p, क्या है पावर के रूप में क्या है 1 बटा n के पावर p है। अब क्या करेंगे, 1 बटा n के पावर p है तो इसमें क्या करेंगे, अब ओपन डिवाइडिंग करेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे ओपन डिवाइडिंग करेंगे। ठीक है, तो ओपन डिवाइडिंग जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बता रहे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉरी मिस्टेक, इस क्वेश्चन में ओपन नहीं, इसको बैकअप कीजिए, थोड़ा बैकअप इसको मिटाइए। इसमें देखिए पहले हम क्या करते हैं, n कॉमन करते हैं, n कॉमन कर लिए तो 1 बटा 1 प्लस ये, ठीक है, सॉरी इवन इक्वल टू 1 n प्लस 1 था, अगर n कॉमन करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय n और बटा क्या हो जाएगा मेरा n के पावर p। ठीक है, अब देखिए n के पावर p हो गया, n जब नीचे में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय n और बटा में क्या आ जाएगा n के पावर p माइनस 1, n के पावर p माइनस 1। अब इसको क्या करते हैं हम इक्वेशन, अब इसको क्या करते हैं इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब जब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अब क्या करेंगे, इसमें vn का मान निकालेंगे, कंपैरिजन टेस्ट के तहत इसमें क्या करेंगे vn का मान निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा v v कंसाइडर एंड एक्जुलरी सीरीज समेशन ऑफ vn Where क्या हो जाएगा मेरा vn इक्वल टू क्या आ गया 1 बटा n के पावर p माइनस 1, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 मान लिए, अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे ओपन डिवाइडिंग करेंगे। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम ओपन डिवाइडिंग करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ही मिटाते हैं। ठीक है, ओपन डिवाइडिंग करते हैं, सॉरी पिछले वाला भी वीडियो थी मिटा गया। ठीक है, और अब देखिए ओपन डिवाइडिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा इवन बटा भी है, इवन बटा भी। अब जो टाइप नंबर जो फोर क्वेश्चन आपको हम बताए हैं टाइप नंबर फोर छोड़कर, अब इसमें क्या हो गया इवन बटा भी है, तो हम जानते हैं कि इवन का मान मेरा क्या आया था, इवन का मान मेरा आया था, सॉरी इवन का मान था मेरा 1 प्लस 1 बाई n, और क्या था बटा में क्या था मेरा पी माइनस 1 एन के पावर पी माइनस 1। आप देखिए vn का मान को बट्टा में करेंगे तो ओपन जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस p बटा 1 बटा क्या हो जाएगा इक्वल जाए, अब ये कट गया तो मेरा क्या आ गया 1 प्लस 1 बाय n। अब इसमें आपको बताया है कि जो 1 प्लस 1 बाय n आ जाए उसमें क्या करेंगे हम टेकिंग लिमिटिंग लगा के देखेंगे। ठीक है, अब इसमें आप टेकिंग लिमिटिंग कर दीजिए एंड टेंड्स टू इंफिनिटी बोथ साइड v के। ठीक है, ए बोथ साइड v के, ठीक है, बोथ साइड बी के। अब इसमें क्या करते हैं, अब टेकिंग लिमिटिंग लगाएंगे और सीरीज को देखेंगे। ठीक है, टेकिंग लिमिटिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यूएन बटा वी एन इक्वल मेरा क्या हो जाएगा यूएन बटा वी एन, अब क्या है 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी,
आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस 1 में इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। अब मेरा क्या आ गया, 1। अब 1 क्या होता है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड मेरा क्या होता है, नॉन जीरो होता है। इससे क्या मालूम चलता है कि सीरीज जो है कन्वर्जन एंड डाइवर्जन दोनों ही है, ठीक है। सीरीज क्या आ जाएगा, अब जब 1 आ गया तो इस सीरीज पे हम क्या करेंगे कि p के मान पे vn के मान पे डिपेंड करेंगे, जो मेरा vn का मान आया था उस पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके vn के मान पर डिपेंड करते हैं। तो चलो vn के मान को डिपेंड करने के लिए पहले लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। आ गया, अब बाय कंपैरिजन टेस्ट पे जा रहा है, बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ऑफ un, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ऑफ बाय कंपैरिजन टेस्ट टू सीरीज समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn एंड समेशन ऑफ vn आर सीजीटी एंड डीजीटी, आर सीजीटी एंड क्या हो जाएगा मेरा डीजीटी आर बोथ साइड वी के, आर बोथ सीजीटी और डीजीटी। तो आने का मतलब कि इस टेस्ट में बाय कंपैरिजन टेस्ट में सीरीज जो होगा समेशन ऑफ इवन एंड समेशन ऑफ वीएल आर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दोनों हो सकता है, ठीक है। तो बट इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि हमको अब इसलिए पी टेस्ट पे देखते हैं, क्योंकि मेरा टेस्ट क्या आ गया, 1 आ गया। और जब किसी भी टेस्ट में क्या होता है, 1 आ गया तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो पे हो गया, और जब फाइनाइट एंड नॉन जीरो हो गया तब क्या करेंगे हम पी टेस्ट पे देखते हैं, ठीक है। तो जब हम पी टेस्ट पे देखते हैं इसको, पी टेस्ट पे देखते हैं इसको मिटाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, सीरीज को क्या करते हैं, हम पी टेस्ट पे देखते हैं, ठीक है। अब पी टेस्ट पे देखिए, अब कन्वर्जन टेबल, अब इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए पी टेस्ट सीरीज समेशन ऑफ vn इक्वल टू समेशन 1/n^p-1। आप किसी भी पावर में क्या हो गया, 1/n^p-1 हो गया, या क्या हो गया, इज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो गया, इज क्या हो गया, ही डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। तो इज डाइवर्जेंट हो गया। अब इसलिए एक लाइन और लिख दीजिए, हेंस द गिवन सीरीज क्या हो गया, द गिवन सीरीज समेशन ऑफ इवन इज डीजीटी, समेशन ऑफ इवन इज द क्या हो गया, डीजीटी, मतलब यह प्रूव हो गया, समेशन ऑफ इवन इज द क्या हो गया, डीजीटी। अब क्या हो गया मेरा, यह टाइप नंबर 4 क्वेश्चन प्रूव हो गया। और टाइप नंबर 5 क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, एक और क्वेश्चन है जिसका नाम टाइप नंबर 5 है। यह क्वेश्चन जितना भी हम क्वेश्चन आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग वीवीआई इंपॉर्टेंट मेरा टेस्ट क्वेश्चन तो बना के जाइएगा, श्योरलेस ये क्वेश्चन एक दो में से एक तो आना ही तो आना, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, उसके बाद बताते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन को दो में से एक तो निश्चित है कि आना ही है, तो आना ही है क्वेश्चन से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ और टेस्ट को हम आपको पढ़ा देंगे, और विशेष तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, टेस्ट को समझ जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम आप लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से अगले टाइप के क्वेश्चन को, हम यहाँ पे टाइप नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7। जो टाइप नंबर 7 के लिए जो रूल होता है वो रूल हम आप लोग को बोर्ड पे पढ़ा देंगे, ठीक है। बट उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइन से देखिए और पिछले वाला बैकअप भी वीडियो देखिए, बैकअप वीडियो देखिए। और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन बेहिचक पूछ सकते हैं, इसके लिए पूछने में आप लोग कोई खर्चा नहीं लग रहा है। बट आप लोग भी मेरे लिए टाइम दीजिए तो हम भी आप लोग के लिए भी टाइम देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बनाने के लिए क्या करते हैं, अगले नंबर लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, ठीक है। अगले नंबर लेक्चर में मिलते हैं। तो चलिए अगले नंबर जो लेक्चर होगा आप लोग पिछले वाला पहले बैकअप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगले वाले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।